हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सीपी क्लासेस चैनल पर। और एक और चेंज किया है सीबीएसई ने। जी हाँ, सीबीएसई ने नहीं सिर्फ, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं जो इंडिया के अंदर, उन्होंने और कुछ चेंजेस कर दिए हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर, जिसके बारे में आज जानेंगे आज के वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए बात करते हैं क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, ऐसा क्या बदलाव कर दिया है बाकी बोर्ड्स ने भी सीबीएसई को देखते हुए, और सीबीएसई ने और क्या चेंजेस किए हैं। जैसा हम जानते हैं, सीबीएसई ने बोर्ड के एग्जाम्स को लेट कर दिया है। नॉर्मली फरवरी मार्च में एग्जाम्स होते थे, बट सीबीएसई ने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया है और 4 मई 2021 से क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। सीबीएसई कदम को देखते हुए बाकी जो स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे अगर बात करूं महाराष्ट्र बोर्ड की, उन्होंने भी ये डिसाइड किया है कि हम अपना सिलेबस 25% से कम करने वाले हैं। और सीबीएसई के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस कम कर दिया और सीआईएसई ने अपना 25% सिलेबस कम कर दिया है, जो इस बार 2021 में बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए। बट बिहार स्कूल एजुकेशन जो बोर्ड है, उसने अभी तक अपना सिलेबस कम नहीं किया है। बट हाँ, जो उनके मॉडल पेपर्स आए हैं वेबसाइट पर, उसमें चेंज ऑफ एग्जाम पैटर्न साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपके लिए जाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक एग्जाम्स होंगे, वहां पर उन्होंने क्या किया है, चॉइस दिया ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन के अंदर। और बट बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी खुश नहीं है, बिकॉज सिलेबस कट के बारे में उन्हें पूरी तरह से क्लेरिफिकेशन नहीं दी गई है, क्योंकि सिलेबस कट उनका किया नहीं गया है अभी तक। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इस बार एग्जाम में क्या चेंजेस होने वाले हैं, कि इस बार सीबीएसई ने एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। हालांकि एमसीक्यू इंट्रोड्यूस किए गए थे 2020 में, ठीक है, और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी कहती है कि आपको अब स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल जज करना है, रट्टाफिकेशन वाली स्टडी उनसे नहीं करवानी है। इसलिए सीबीएसई की तरफ से, जी हाँ, सीबीएसई ने स्पेशली मेंशन कर दिया है कि ज्यादातर क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होंगे और ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ताकि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग की, उनकी एबिलिटी, कितना वो समझ पाते हैं चीजों को, वो चेक किया जाए, ना कि कितना वो रट्टा मार्क सकते हैं वो चेक किया जाए। इसका मतलब है 2021 में ज्यादा एमसीक्यू आने की उम्मीद है। और अगर मैं महाराष्ट्र और अगर मैं मध्य प्रदेश बोर्ड की बात करूं, वहां भी उन्होंने भी 30% सिलेबस कम करने की बात कही है, और जिसमें वो बोल रहे हैं कम से कम 30% एमसीक्यू आने वाले हैं, प्लस लेंथ ऑफ द क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश बोर्ड ने रिड्यूस कर दी है। और उनका कहना है कि कोई भी लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस अब बोर्ड में नहीं आने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं पूरे भारत में सीबीएसई की पहल के साथ ही पूरे भारत में जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, उन सभी ने चेंजेस करने का ठान लिया है, ताकि स्टूडेंट्स को जो कोविड की वजह से नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी सी भरपाई हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही। रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।